तो फाइनली ब्लीच फैंस, फाइनली ब्लीच का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और मैंने भी उसको देख लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी एक बहुत बड़ी ब्लीच फैन हूँ। आज की ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है, तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस ना कर दो। तो अब बिना किसी देरी के आ जाइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आ जाइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने आज ही ब्लीच का एपिसोड देखा, उसकी स्टार्टिंग मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी और जैसे जैसे स्टोरी आगे जा रही थी मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता जा रहा था। शुरू शुरू तक एपिसोड ठीक जा रहा था, पर जब आगे जाके एंट्री होती है कुरोसाकी की, ओरिहिमे की, इशिदा की, चैट की, तब तो मेरे एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर चला गया था। सच में अपने इचिगो को देखकर तो पुरानी यादें ताजा होगी, वही स्टाइल, वही बोलने का तरीका और वही पावर, बल्कि इस बार इचिगो बहुत ज्यादा पावर फुल था। मैं आप लोगों को पहले ही वार्न कर दूं, इस वीडियो में ऑब्वियसली स्पॉइलर्स होने वाले हैं और मैं इस वीडियो को बनाने के लिए भी खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। और अगर आप मेरी तरह ही इस एनिमे के डेडली फैन हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, इस वीडियो को भी यहां पर रोक दो और जाओ जाकर एपिसोड देखकर आओ यार, सीरियसली मजा आ जाएगा। मैंने ब्लीच शुरू से देखे हुए हैं, लाइक उसके एपिसोड 1 से लेके एंड के सीजन तक, तो मैंने इस बार बहुत बदलाव देखा उसके एनिमेशन में, उसके ग्राफिक्स में, और ये बहुत अमेजिंग था। लाइक मैं हमेशा से ब्लीच को ऐसे ही देखना चाहती थी। मैंने एनिमेशन को कुछ जगह पे नोट किया है, जैसे कि उन्होंने 3D एलिमेंट्स यूज किए हों, और ये चीज मैंने तब नोट की जब होलोस आते हैं, तो होलोस के अंदर भी एक डिफरेंस था, जो पहले जैसे दिखते थे वो इस बार वैसे नहीं थे। और एनिमेशन मूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा स्मूथ थी अगर कंपेयर किया जाए पहली वाली सीरीज से। तो इस एपिसोड को देखकर तो ऐसा फील आ रहा था जैसे यार ड्रीम कम ट्रू हो गया हो यार। तो पहला तो गूसबम्प्स वाला सीन वो था जब कुरोसाकी की एंट्री होती है और साथ ही साथ उसके बाकी टीम मेंबर्स की भी। और जो सेकेंड गूसबम्प वाला सीन था वो ये था जब इचिगो फर्स्ट टाइम अपना बंकाई यूज करता है। इस बार तो क्रिएटर्स ने अमेजिंग चीज कर दी, पहले तो उसने बंकाई यूज किया और साथ ही उसके फॉरेन बाल्स ने अपना अटैक गेत्सुगा तेंशो का यूज किया। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे किसी भी एनिमे ने इतना एक्साइटेड नहीं किया जितना इस वाले ने किया, और ऑब्वियसली ये तो मेरा फेवरेट है ही। और इचिगो की पावर हमें इतनी ज्यादा दिखाई गई है कि उसके उस अटैक ने सारे होलोस को उसी टाइम खत्म कर दिया। और अगर पहले की स्टोरी से कंपेयर किया जाए तो इस बार की स्टोरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमें ये भी बता दिया गया है कि इस बार स्टोरी का विलेन क्वेंशिस का लीडर होगा, और जब उन्हीं का ही एक मेंबर इचिगो से लड़ने आता है वो वाला सीन भी थर्ड गूसबम्प्स वाले में आता है। और हमें ये दिखाया गया है कि उस टाइम भी इचिगो उस विलेन से सबसे ज्यादा ताकतवर था। अगर मैं सही बताऊं तो मैं उस सीन के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रही हूं जब फर्स्ट टाइम इचिगो अपना होलो एक्टिवेट करेगा। हम सभी ब्लीच फैंस ये जानते हैं कि वो एक गोल्डन मोमेंट होने वाला है। पहले एपिसोड में अभी हमें सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए, और खासकर मैं रुकिया का वेट कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सेकंड एपिसोड में मुझे रुकिया जरूर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ब्लीच का पहला एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग था, अगर इसको कंपेयर किया जाए बाकी एनिमे के पहले एपिसोड से तो ये वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और मैं आगे के एपिसोड्स देखने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोगों में से भी किसी ने ब्लीच का पहला एपिसोड देख लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो अब आज की वीडियो हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।